दसवीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु आयोजित आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेस बंधुओं का मैं आज हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से दसवीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने विधिवत रूप से घोषित करने हेतु विनम्र अनुरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित बोर्ड के सचिव, अधिकारीगण और विशेष रूप से यहाँ पर प्रेस से आए बंधु भगिनी, आप जानते हैं कि कोविड के समय से निकलकर ये सारे प्रयास हुए हैं कि जो बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ है उसका परिणाम भी बेहतर ढंग से डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि कोविड ने किसी न किसी तरह से इस सेशन को भी प्रभावित किया था, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय बोर्ड के द्वारा सरकार की सहमति के अनुसार यहाँ पर टर्म सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का ये कार्य किया है। इसके अलावा अनेक प्रकार के एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और असेसमेंट रिफॉर्म्स बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। विशेषकर 360 डिग्री असेसमेंट रिफॉर्म की जो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, तो पहली बार ये टर्म सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। प्लस टू में भी आपने देखा है कि प्लस टू के रिजल्ट जो है 94% लगभग 94% रहा है। ऐसे ही रिजल्ट जो हैं दसवीं के, जब परिणाम आप देखेंगे कि इसका प्रतिशत कितना रहा है, इसमें भी रहे हैं। कुछ वर्षों का अगर आप एनालिसिस करें पिछले का, तो उसमें जो प्रतिशतता है वो 60s में रहती थी, लेकिन अभी का जो ये 2021-22 का रिजल्ट है इसमें 87.5% ऐसा रिजल्ट रहा है। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट अभी आया है। कुल कैंडिडेट जो उपस्थित थे 90,375 और उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं हैं 78,573, 9,571 विद्यार्थी फेल हुए हैं, 1,409 विद्यार्थी जो है कंपार्टमेंट में लिए गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, तो कुल मिलाकर 87.5% ऐसे रिजल्ट रहा है। पहले 10 स्थानों में कुल विद्यार्थी 70 आए हैं, 77, इनमें 67 छात्राएं हैं, 67। तो आप ये देखिए कि छात्राओं का प्रदर्शन किस प्रकार का बेहतर रहा है। 10 छात्र हैं, 11 छात्र सरकारी विद्यालयों से हैं और 66 विद्यार्थी जो है वो निजी विद्यालयों के हैं। तो यहाँ पर दसवीं में निजी विद्यालयों ने बहुत ही बेहतर किया है। अगर हम पूर्व में एनालिसिस करें और आज का हम ये रिजल्ट देखें जो कि घोषित किया गया है, 2017 और 18 में पास परसेंटेज जो था वो 63.39 था, 2018-19 में 60.79, 2019-20 में 68.11% रहा था और 2020 और 21 में आप सबको विदित है कि सरकार ने निर्णय किया था कि दसवीं के सभी विद्यार्थियों को पास करना है, वो कोविड के चलते यह निर्णय लिया। अभी अपनी रियल परफॉर्मेंस बच्चों की है और नया सिस्टम एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करने के बाद 360 डिग्री असेसमेंट का जो फार्मूला हमने दिया है उसके आधार पर और दो टर्म के आधार पर जो रिजल्ट कंपाइल हुआ है वो 87.5% है। बहुत ही बेहतर ये रिजल्ट अभी निकला है। मैं सभी पास हुए बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर छात्राओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जो पहले 10 स्थानों में छात्राएं हैं वो 67 है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
छात्र केवल 11 हैं, 66 हाँ छात्र केवल 10 हैं जो पहले 10 स्थानों पे आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन जो है निजी विद्यालयों की अगर तुलना करें तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनका पास परसेंटेज जो है वो बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भी बहुत संख्या में पास हुए हैं, जिसके चलते 87 आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में होते हैं तो वो ज़्यादा पास हुए हैं, जिसके चलते ये रिजल्ट है 87.5% रहा है। तो ये रिजल्ट पूरा उसका एनालिसिस आपके सामने है, इनकी कॉपी सारी आपको दे दी जाएंगी। अभी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपनी सचिव महोदय जो बोर्ड के सचिव हैं मैडम मधु चौधरी से कि इसको तुरंत लाइव कर दिया जाए इस रिजल्ट को। और अभी जो पहले स्थान पर जो दो बच्चे आए हैं, दो छात्राएं हैं, पहला स्थान जो है मंडी जिला की सरस्वती विद्या मंदिर तत्तापानी की छात्रा है प्रियंका, 693 इसके मार्क्स हैं, यानी 99% मार्क्स इसके आए हैं। दूसरे पर भी 693 मार्क्स लिए हैं, ये भी मंडी की छात्रा है, देवांगी शर्मा, एंग्लो संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी। दूसरे स्थान पर एक छात्र है आदित्य संख्यान, बिलासपुर से है, सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल हटवाड़ से है। तीसरे स्थान पर जो विद्यार्थी हैं इसमें दो छात्राएं हैं, अंशुल ठाकुर 691 यानी 98.7% मंडी की छात्रा है, सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल मोहिन गोपालपुर की तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक और छात्रा है ऊना से, सिया ठाकुर 691, इतने ही मार्क्स इसने प्राप्त किए हैं। ये है MML पब्लिक स्कूल जलग्रां टब्बा, इसकी ये छात्रा है। तो पहले तीन स्थान जो मैंने आपके सामने बताए और बाकी पूरी की पूरी मेरिट सूची आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। आदित्य संख्यान दूसरे स्थान पर, ये जो बच्चा है ये बिलासपुर का है जी, सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल हटवाड़, 692 मार्क्स हैं, जो टॉपर है उसके 693 मार्क्स हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, तुरंत वहाँ जाते हैं आप।